ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन्थ, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्थी ड्यूरिंग दिस पैंडमिक पीरियड ऑफ कोविड-19। डियर स्टूडेंट, लेट अस वी सी एक्सरसाइज 8.3 एंड क्वेश्चन नंबर इज आल्सो थ्री। क्या कहा गया है इसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन पढ़िए आप 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है ए कैन डू 1/5 ऑफ द गिवन वर्क इन 3 डेज, यानी ए जो है किसी काम का 1/5 भाग 3 दिन में कर सकता है। एंड बी कैन डू 1/6 ऑफ द सेम वर्क इन 4 डेज, और बी जो है उसी काम का 1/6 भाग 4 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, वो दिन 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एंड फिर क्या होता है, एंड बी लीव्स, और बी छोड़ के चला जाता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो अब ए को ही अकेला काम करना पड़ेगा, तो बाकी बचे काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको समझ लेते हैं बच्चों, थोड़ा बड़ा है इसलिए आज यही एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स सॉल्यूशन। ए 3 डेज वर्क, आप जान चुके हैं जैसे 3 डेज में कितना पार्ट करता है, 1/5। Therefore, इज 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क में कम काम होगा, तो 1/5 और 3 नीचे हो जाएगा, यानी 1/15 पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय ए इन 1 डे। समझ में आ गया। सिमिलरली बी 1 डे वर्क, बी का एक काम क्या हो जाएगा, 1/24। नेक्स्ट, अब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि ए जो है एक दिन में 1/15, बी जो है एक दिन में 1/24 काम करते हैं। तो दोनों का एक दिन का काम पता कर लेते हैं हम, तो 1/15 + 1/24 सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि यह 8 + 5 / 120, और अगेन सॉल्व करने पर ये आप देखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ ए आपका 13/120 आ गया। कितना है, दोनों ए और बी के एक एक साथ काम करने पर एक दिन का काम 13/120 वर्क आ गया। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, अब दोनों मिल करके 2 दिन तक साथ साथ काम किए, तो ये पता कर लीजिए कि 2 दिन में लोगों ने किया काम कितना। तो 2 डेज वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम, दोनों के द्वारा किया गया कार्य 2 दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन का वो 13/120 है, इसे ×2 कर देंगे, तो आप यहाँ काटेंगे 13/60 भी आ सकता है, और नहीं तो 13×2 = 26, और यहाँ 120 रहेगा, 26/120 कर देंगे, 26/120 इसका 2 दिन का काम ए और बी का माना जाएगा। लेकिन अब देखो फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया, ए को अकेले काम करना है, तो लेफ्ट वर्क आफ्टर 2 डेज, 2 दिन काम करने के बाद बचा काम कितना है, 1 - 26/120, तो 120 - 26/120, आप देखोगे 94/120 वर्क इज लेफ्ट, 94/120 वर्क इज लेफ्ट। तो नाउ द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क बाई ए, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क लेफ्ट अपॉन 1 डेज वर्क बाई ए। तो टोटल वर्क लेफ्ट इज वॉट, 94/120, और 1 डेज वर्क बाई ए, वर्क जो एक के द्वारा एक दिन किया जाता है कितना है, 1/15 है, यहाँ आप 1/15 कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे
तो जैसे ए अपान का अपान है तो अपान में 15 अब ऊपर चला जाए तो वन नीचे हो जाएगा, तो 94/120 एम टू 15/1 तो 15 एट जा 120 तो इधर आप क्या आ गया अपान साइड में 8 और यहाँ 94, तो 94 अपान 8 को आगे सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा 11 होल 6 अपान 8 अगेन 6 अपान 8 में भी सॉल्व 2 3 जा 6 2 4 जा 8 11 होल 3 अपान 4 डेज हो जाएगा 11 होल 3 अपान 4 डेज हो जाएगा। तो बस बच्चों आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू टू बी हैप्पी एंड हेल्थी एंड टू बी मोर एंड मोर स्टडियस। ओके स्टूडेंट्स।